हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन स्किन के लिए एक हर्बल सोप बनाने वाले हैं जो नेचुरली आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। एक्ने, पिंपल्स की तकलीफ, ड्राई स्किन की तकलीफ और स्किन से होने वाले कई सारे परेशानियां को दूर करने वाला साबुन है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स अपन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नीम लीव्स है। नीम्स एक बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीफंगल होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो स्किन को स्मूदिंग और सॉफ्ट बनाता है। थर्ड कंटेंट है विटामिन ई की टैबलेट इसमें डालने वाले हैं, जिससे आपका स्किन रिजेनुएट होगा। फोर्थ गुलाब के पत्र या गुलाब के लीव्स जो होते हैं, गुलाब के चूरा, उसके बाद में मुल्तानी मिट्टी के अंदर जो स्किन ग्लोइंग इफेक्ट होता है वो आता है। नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि स्किन के अंदर बहुत ही ज्यादा स्मूदिंग इफेक्ट और विटामिन ई और विटामिन ए बी सी से भरपूर होता है। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी से क्या होगा कि आपके अंदर जो भी एक्ने, पिंपल्स है या स्किन के रैशेस है या सोरियासिस, एक्जिमा जैसी बीमारियां है, वो काफी ज्यादा दूर होंगी। नेक्स्ट चंदन पाउडर जो है ये स्किन के लिए काफी जमाने से यूज होते आ रहा है और काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद में जो एक्स फैक्टर है, ये एक हर्बल फेस पैक है जिससे आपके मुरूम है, आपके स्किन के अंदर कॉम्प्लेक्शन है, मुरूम है, एक्ने है, ये सब चीजें इसके अंदर कपूर कचूरी वगैरह एक्स कंपाउंड होते हैं। लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, अपन इसमें ऐड करने वाले है नागार्जुन फार्मा का कुंकुमादि तैलम। कुंकुमादि तैलम आयुर्वेद के अंदर काफी जमाने से, राजा महाराजाओं के टाइम से यूज किया जा रहा है। कुंकुमादि तैलम एक्ने, पिंपल्स, सभी प्रकार के स्किन डिजीजेस को तो कवर करता ही है, उसके साथ में आपको रेडियंट, कलर बूस्टिंग, पिगमेंट, हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना और उसी तरह से एन नंबर ऑफ स्किन डिजीजेस में स्किन रैश हो, और इस सब का बना के एक नेचुरल सोप बनने वाला है। वो नेचुरल सोप अगर आप यूज करेंगे तो काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। देखते हैं उस सोप की प्रोसेसिंग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना, थैंक यू।